नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और आज है हमारे साथ इस प्रोग्राम में बेहद ख़ास मेहमान अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड की लेखिका, अभिनेत्री, कथक नृत्यांगना, चित्रकार और फोटोग्राफर दीप्ति नवल। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी। हेलो इरफान जी। हम समझते हैं कि ये अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, कितना वक्त लग गया इस किताब को लिखने में? ये एक्चुअली काम इस पे काम हुआ था थोड़ा कुछ 21 इयर्स अगो। आई हैड रिटन पहले चार चैप्टर्स लिखे थे इसके जी, और वो मेजर चैप्टर्स थे, थोड़े लंबे वाले लिखे थे। और फिर उसके बाद पता चला कि ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत काम होना है, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसमें काफ़ी सारी रिसर्च और काफ़ी रिलेटिव से बातचीत करके कई चीज़ें क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। तो वो प्रोसेस एक स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे बात यादें जो जो हैं वो एक चीज़ एक याद से दूसरी याद ट्रिगर होती थी, तो जैसे जैसे दिमाग में सब बैठ और याद आने लगा और पूरा जो 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 मुझे याद था वो मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरे हिसाब से ये मेरी समझ में आया कि ये कोई ऐसे ओवरनाइट लिखने वाली किताब नहीं है, इस पे मेहनत और लगेगी और मुझे काम करते रहना पड़ेगा इस पे टिल द टाइम आई फील दैट यस आई हैव सेड एवरीथिंग दैट आई वांट टू से अबाउट माय चाइल्डहुड। तो होता गया काम, उस पे चलते रहे। पेरेंट्स से मैं बात करती रही, मामा से भी, पिताजी से भी, और उनकी आवाज़ें भी मेरे पास खूब सारी रिकॉर्डिंग करती थी, वो बैठ जाती थी वही किस्से लेकर के, नहीं फिर से सुनाइए, सो दैट आई वुड बी श्योर कि जो इनकी मेमोरी में जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है वैसा ही है या कुछ अलग से तो नहीं है। तो फिर लिखना शुरू किया, बट लास्ट और बीच में कई कुछ होता गया, लाइफ का भी चीज़ें बीच बीच में आ करके, काम और फिल्म या पर्सनल लाइफ, कहीं ना कुछ थिंग्स केप्ट हैपनिंग अलोंग साइड, लेकिन मैंने लिखना और काम करना इस पे छोड़ा नहीं। पर कॉन्सेंट्रेटेड काम जो है वो पिछले 5 साल में हुआ है, जो कि कहते हैं ना कि सब चीज़ हटा के पीछे रख के यू आर जस्ट राइटिंग योर बुक, तो वो पिछले 5 साल में, ये सारा 5.5 साल में, जब से पब्लिशर भी इन्वॉल्व हुए, वही 4 चैप्टर्स पहले मैंने डेविड आर को भेजे क्योंकि ही वॉज अ ओल्ड फ्रेंड, तो मैंने सोचा डेविड से पूछ लेती हूँ भाई हाउ डू यू इवेल्यूएट दिस राइटिंग, तो इमीडिएटली ही सेड हम तो ये पब्लिश करेंगे किताब। तो देन आई न्यू के ओके आई एम ऑन गुड ग्राउंड, तो दैट मीन्स कि जिस तरह से मैं चल रही हूँ मुझे उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। एंड देन आई जस्ट केप पुटिंग एवरीथिंग डाउन, हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़, बाद में फिर उसी को एडिट करना, फिर देखना कि ज़रूरी क्या है कहना और कुछ जो लगता है कि अननेसेसरी है उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से चलता रहा बहुत पिछले 5 साल में, और अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो शायद ये किताब अभी तक मैं लिख रही होती, क्योंकि पैंडेमिक में वो जो कॉन्सेंट्रेशन और कुछ नहीं करके सिर्फ यही करना है, तो वो मौका जो है वो लॉकडाउन में मिल गया, तो उस वजह से किताब कंप्लीट हो गई, नहीं तो मैं तो इसमें 200 पेजेस और लिख सकती हूँ। बट फाइनली द पब्लिशर टुक द बुक अवे फ्रॉम मी एंड ही सेड बस हो गया आपका बहुत बचपन अभी हो गया। अच्छा, ये सवाल तो आपसे बार बार इस दौरान पूछा जा रहा होगा जब से ये किताब की थोड़ी पब्लिसिटी या थोड़ा उसका रीच आउट के लिए आप निकली हैं, कि ये तो ज़रूर कोई ऑटोबायोग्राफी का ही हिस्सा होगा, एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टार्ट होगा। ये सवाल बहुत रेटरिक मुझे लगता है, लेकिन आपसे सुनना दिलचस्प होगा कि क्या ये आत्मकथा का कोई पहला हिस्सा है? देखिए, मैंने इसको एज एन ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखा है क्योंकि वो 400 पेज तो इसी बचपन में ही हो गए हैं, तो ये मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं बचपन के बारे में लिख रही हूँ तो इसके आगे चल के मैं कॉलेज लाइफ और उसके बाद फिल्म लाइफ
ऐसा मैंने नहीं सोचा। मुझे लगा कि मेरी लाइफ में सबसे जो अमेजिंग टाइम था, जो शेयर करने लायक है, वो क्या है जिसे मैं क्रिएटिव राइटिंग के जरिए लिख सकती हूँ। ऑटोबायोग्राफी लिखना एक तरह का रिकॉर्ड कायम करना होता है कि हमारे साथ ये हुआ, फिर मैं सही ब्रांच पे से मिली, ऋषिदा ने मुझसे मुझे बाशुदा से मिलवाया और मैंने पंचवटी की, तब तक मुझे मेरी ये फिल्म हिट हो चुकी। मतलब आई डेंट वॉन्ट टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, इट डजन इंटरेस्ट मी इतना ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि वो फ्लैट राइटिंग है। मैं चाहती थी कि मैं एज अ राइटर मैं अपने आप को आगे के लेवल पे कैसे लेके जाऊं। मैं पोएम्स लिखती थी, फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब लिखी जिसमें मुझे प्रोज लिखने में भी बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा कि बचपन के जो मेरे सीन्स हैं दिमाग में, बचपन के सीन्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड, हाँ, उनको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं और मैं उसको एज अ क्रिएटिव राइटिंग का अपना एक प्रोसेस जो है उसमें ला करके मैं उसको शेयर करूं। नॉट कि हम बच्चे थे, हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, वो नहीं, उस तरह की राइटिंग मैं नहीं करना चाह रही थी। आई वॉन्टेड टू ट्रीट इट लाइक स्क्रीन प्ले, जैसे एक स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि मैं किसी को एक सीन, फिर एक और सीन, फिर एक और सीन्स के थ्रू लेके जा रही हूँ रीडर को अपने साथ, और उनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये माहौल था, ऐसा था, मैंने ऐसा फील किया, ये सब इस तरह का। तो आई वॉन्टेड टू राइट इट लाइक स्क्रीन प्ले, लाइक अ नॉवल। हालांकि है पूरी ऑटोबायोग्राफी, लेकिन पूरी लाइफ की नहीं है, बस बचपन के पहले 19 साल, जब तक कि मेरे टीन एज ख़त्म हुआ, और उसके बाद फादर अमेरिका चले गए, ही माइग्रेटेड, और उसके हम लोग फिर मतलब अमृतसर की जो लाइफ थी वो एक एक चैप्टर जो था वो ख़त्म हुआ लाइफ का। सो आई वॉन्टेड टू रिकैप्चर वो माहौल जो अमृतसर में तब हुआ करता था, जब पार्टीशन से संभला ही था शहर। अभी 47 में पार्टीशन हुआ, आई वॉज बॉर्न इन 52, 56 ऑनवर्ड्स मेरी यादें काफ़ी मजबूत हैं। 56 ऑनवर्ड्स, 4, 3.5-4 साल की उम्र से मेरी मेमोरीज काफ़ी, पता नहीं क्यों, काफ़ी क्लियर हैं, और लोग थोड़े हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे आपको इतना याद है, पर मुझे याद है। मुझे बाकी आगे का शायद इस कदर नहीं याद होगा, जैसे मुझे बचपन के सीन्स याद हैं। ऐसे मामा को एक बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, उनके हाथ में प्रेस थी, और वो इस तरह से मुझे सारा, मतलब काफ़ी कुछ मुझे काफ़ी हद तक, और कई चीज़ें हैं अभी जो इस किताब में आ नहीं सकी क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी किताब। तो ये सिर्फ वो पहला, मैंने इसको मैंने कभी भी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखने का सोचा नहीं था, जी क्योंकि आई दिस इज माई वर्क एज अ राइटर, नॉट एज अ सेलिब्रिटी। तो एज अ राइटर, जब तक कि मैं क्रिएटिव, मैं लिटरेरी कंटेंट नहीं बना पाती हूँ, तब तक मेरा मतलब फिर मुझे मज़ा नहीं है। मतलब आई एम जस्ट इंफॉर्मिंग पीपल, इंफॉर्मेशन देने में मुझे इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू राइट अबाउट माई चाइल्डहुड फ्रॉम एज अ राइटर। हाँ एज अ राइटर इट अपील टू मी बिकॉज आई एम डूइंग लिटरेरी वर्क, सो दिस बुक इज माई लिटरेरी वर्क, अच्छा, तो अब है आप ना। जिसको आपने खुद ही कहा कि ये करीब 19 साल की उम्र तक की यादें हैं, और यही जी वो पीरियड होता है जो बहुत इम्प्रेशनेबल होता है, और वही आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जिनको लेके आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसी की बुनियाद पर एक तरह से जीती, जो वैल्यूज़ आप एक्वायर करती हैं, जो स्ट्रांग मेमोरीज़ आपकी होती हैं, जो इंस्पिरेशंस होते हैं। तो कहीं जी ऐसा लगता है कि ये किताब जिसका नाम अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड है, इसका चाइल्डहुड नाम जी अब जब आप उस बचपन को मुड़कर देखती हैं जो कि
कहीं आपने कहा भी शायद पिछली किसी बातचीत के दौरान कि वो अब एक खोता हुआ सा, एक फास्ट वैनिशिंग इंडिया एक तरह से है। तो इसको हाँ क्यों वो ना तो कहा है। जाए, इसको अगर हम, इस किताब का नाम अगर हम अ लॉस्ट कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड रखते तो कैसा? बस वो कंट्री कॉल्ड, हाँ वो लॉस्ट, लेकिन चाइल्डहुड एक ऐसा है ना कि आप मरते दम तक उसको अपने जहन में रिविजिट करते ही रहते हैं, बल्कि ज्यादा उस तरफ जाने की कोशिश आपकी रहती है। जैसे जैसे उम्र होती तो यू फील अब वहां लौटा जाए, है ना, कि वो जो समय था, जो एक माहौल था, अब उस तरफ चला जाए, चाहे अपने जहन में ही रहे, लेकिन वो चीजें ज्यादा अपील करने लगती हैं। एज यू ग्रो ओल्डर, यू यू टर्न बैक टू योर रूट्स, आपको वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं जो पहले जमाने में बचपन में आप किया करते थे, या मम्मा ऐसे किया करती थी, तो यू वॉन्ट टू डू समथिंग सिमिलर, बिकॉज आपकी पूरा साइकिल जो है लाइफ का, फाइनली आपको आपके बचपन की तरफ लौटा रहा होता है। आपको पता नहीं चलता है कि कब आपने रुख जो है वो उस तरफ का कर लिया है, एंड यू आर लुकिंग मोर एट द पास्ट एंड एट अ पास्ट विच यू थिंक वॉज ग्लोरियस। मेरा बचपन, आई लुक एट इट एज द ग्लोरियस टाइम ऑफ माई लाइफ, इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना है। बाकी तो क्या है, ये फिल्म वो फिल्म, मतलब सब जानते ही जी हैं, तो उसका क्या कुछ और, हाँ कह सकती हूँ, मतलब एक्सपीरियंसेस बताना चाहूंगी किसी दिन, लेकिन इट विल नॉट बी ए लिटरेरी मेमोर, है ना, जो ये जी है, जी जो हाँ जो ये इसकी जो पॉसिबिलिटीज थी वो। लेकिन हाँ यू राइट कि वही सारी इम्प्रेशनेबल ईयर्स थे, सारा सारी चीजें फॉर्मेटिव वहीं से। अब मुझे लोग बोलते हैं कि आप पेंटिंग भी करती हैं, आप पोएट्री भी लिखती हैं, आप ट्रैकिंग भी करती हैं, और आपको फोटोग्राफी का शौक, तो ये सारी चीजें बचपन में इंग्रेन्ड हो चुकी हैं, हो चुकी थी। जी हाँ तो तभी तो एज यू ग्रो जी ओल्डर तभी तो आपको, अदरवाइज आई अगर मेरा ऐसा नहीं होता और मुझे सिर्फ ग्लैमर क्वोशेंट जो है मेरी पर्सनालिटी में वही हावी रहता, तो और मेरा जो बचपन रहा है जैसे रहा वैसे नहीं होता, तो एक ग्लैमर स्ट्रक टीनेजर अगर मैं आ जाती फिल्में ज्वाइन करने, तो मेरे आई डिडंट हैव मच टू से, आई वुड नॉट हैव हैड मच टू से। और ठीक है कि सभी ग्लैमर से खींचे हुए आ जाते हैं लोग, लेकिन कोई इन डेप्थ कुछ करने की इच्छा रखना बचपन से ही कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं, ये जो बड़ा पर्दा है इस पे एक दिन मेरा फेस होगा, और ये लोग जो हंस रहे हैं रो रहे हैं ना एक्टर्स के साथ, एक दिन मेरे साथ जुड़ के और ये मेरे साथ रिएक्ट, ये मुझे देख के हंस रहे हैं रो रही बिल्कुल। अच्छा इसमें देखिएगा दीप्ति जी, एक चीज़ और होती है, मतलब लिखने के साथ ये जुड़ा हुआ है, उसका एक इम्बाइब्ड है उसमें, कि जब आप लिखते वक्त मेमोरीज में जाती हैं, खंगालती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाती हैं, मतलब दिखाने का एक दूसरा रूप छुपाना भी है। तो इस तरह से एक हाँ राइटर का ये चॉइस है कि वो उसमें से किन चीज़ों को अंडरलाइन करता है, किन मेमोरीज को अंडरलाइन करता है, और इस तरह पूरा राइटिंग प्रोजेक्ट किसी एक पेग या कहिए हुक के इर्द गिर्द होता है, यानी कि वो जो ज़िंदगी की अच्छी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि आपने ये कहा कि दादा और दादी एक सुखी रिस्पेक्टफुल एक जिसे कहते हैं मैरिड लाइफ उन्होंने जी, इसके बजाय, हाँ इसके बावजूद कि दादा जनसंघ के हाँ फॉलोवर थे हाँ और दादी कांग्रेस की, हाँ और आज की तारीख में ये कल्पना करना मुश्किल है, आज हम जब मुश्किल, जुलाई 2022 में बात कर रहे हैं, कि एक परिवार में दो अलग-अलग मान्यताओं के लोग हों और वो फिर भी साथ साथ रह सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये तभी तो ये जो कई चीजें जो ऐसी निकल के आती हैं किताब में, जो मैंने पिन पॉइंट भी की हैं कि, और मैंने ये नहीं कहा है मेरी राइटिंग का ये स्टाइल नहीं है कि देखिए आजकल ऐसा नहीं हो रहा और आजकल ये सब सब हो रहा है और कितना कितनी गलत बात है। आई डोंट राइट फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव रिटन फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ दैट टाइम,
और मैंने जितना उसकी उसकी जो प्योरिटी है, उसकी इनोसेंस है उस टाइम की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश की है मैंने, कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू बी जजमेंटल अबाउट दैट टाइम और अबाउट दिस टाइम नाउ. तो मेरी राइटिंग में आज के जिक्र ज़्यादा बहुत कम आएंगे इस किताब में. मतलब आज विज़ावी टुडे ऐसी वाली राइटिंग मैंने नहीं की है. आई हैव जस्ट स्टेड ट्रू टू दैट टाइम एंड आई हैव कन्वेड कि उस टाइम पे लाइफ कैसी थी, माहौल कैसा था और हम लोग क्या फील करते थे उस टाइम के हिसाब से. तो एक तरीका होता है ना कि बार बार आप विज़ावी टुडे, विज़ावी टुडेज टाइम रेफरेंस बना के आप लिखते रहते हो कि वहाँ तब ऐसा था, आजकल ऐसा. मैंने वो नहीं किया है, इट्स जस्ट रिटन द वे आई रिमेम्बर थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड. तो वो पढ़ने वाले को तो समझ आ ही जाता है ना कि देखो उस टाइम पे इतना हेल्दी माहौल था कि घर में बीवी जो है वो, वाइफ जो है वो पक्की कांग्रेसी है और ये कट्टर जनसंघी है हस्बैंड जो, तो एंड कोई क्लैश नहीं, कभी हुआ ही नहीं क्लैश. हाँ तो मतलब ये तो बस कहने में ही ये बात समझ आई जाती है, इसको और अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है यार. अच्छा, इसमें आपने देखिए, पहली बात यह कि किताब मेरे पास अभी तक आपने वादा किया है कि आएगी मैंने आप अभी अभी आप आज मुझे शाम को 10 किताबें आ तक। रही हाँ हैं और तब आपकी किताब ठीक डिस्पैच है, मैं होगी. इंतज़ार करूंगा। लेकिन इस बीच जो जी मैंने यहाँ वहाँ रेफरेंसेस पढ़े किताब से जुड़े हुए, जी उसी से मैं अब सवाल जी तो कुछ फॉर्मुलेट कर रहा ओके. हूँ। जैसे हाँ कि मुझे बताइए कि अमृता प्रीतम जी के साथ आपकी मुलाकात की क्या याद है आपके मन में? अमृता जी को मुझे बासुदा बाशु भट्टाचार्य जी उन्होंने मिलवाया था, क्योंकि बासुदा एक फिल्म करना चाह रहे थे अमृता जी की नॉवलेट के ऊपर. उसका नाम था नागमणि, नागमणि उसका नाम था, और वो मुझे मुझसे वो रोल करवाना चाह रहे थे. तो जब हम लोग वहाँ फेस्टिवल में थे श्री फोर्ट पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो कौन सा साल रहा बासुदा होगा? 80s, अर्ली 80s, अर्ली 80s, तो बासुदा ने कहा कि दीप्ति आई वॉन्ट टू टेक यू टू मीट अमृता जी. बासुदा अमृता जी को काफ़ी अच्छे से जानते थे. अमृता जी आती थी और बासुदा के वो बैंड स्टैंड वाले घर पे रहती भी थी आके. इमरोज साहब भी आते थे, तो ही वॉज वेरी घर की तरह था उनका. सो मुझे वो ले गए. तो बासुदा ने ऐसे ही कैजुअली बोल दिया कि ये दिस गर्ल इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क बट शी ऑल्सो राइट्स पोइट्री एंड अच्छी खासी उर्दूआइज हिंदुस्तानी जो भी कहा जाए उसमें लिखती हैं. तो अमृता जी ने कहा तो फिर कुछ सुना फिर. तो मैंने मैंने फिर उनको मैंने कहा अभी तो एक ही पोएम याद है, लेकिन अगली बार आती हूँ 10 दिन में वापस आना है, एक शूट है, तो मैं आपको ना अपनी डायरी लाऊंगी तब मैं आपको सुनाऊंगी. तो अगली ट्रिप में मैंने उनको पोएम सुनाई, तो उन्होंने फौरन अपने पब्लिशर को फोन किया, पराग प्रकाशन. तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो लिखती है और इसकी इमेजरी तो बहुत अच्छी है, तो आप इसकी नज़में छापो. दैट मैन केम ओवर द नेक्स्ट डे, शी कॉल मी बैक, शी सेड कल सवेरे आना. तो वो पराग प्रकाशन के जो थे ओनर जो, वो आए और उन्होंने कहा कि कितनी पोइम्स हैं, तो 40 हैं, तो ठीक है आप 30 पोइम्स और कर दीजिए और मुझे आप 70 पोइम्स का मैं आपका कलेक्शन एक छापूंगा. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. और उसके बाद अमृता जी के साथ किताब छप गई. इमरोज साहब ने कुछ कवर के लिए कुछ करना चाह रहे थे. इमरोज साहब से भी काफ़ी मतलब मुलाकात होती रही, जब भी वहाँ जाना तो चाय बना के लाते थे बड़े अच्छे से प्यार से, और मैंने हमेशा उन दोनों को देखा है. नाइस टू आइडियलाइज देयर रिलेशनशिप. मुझे लगता था हाँ ये होनी चाहिए कंपेनियनशिप इस तरह की. तो इमरोज एंड अमृता, हालांकि जो मैंने प्ले किया वो अमृता और साहिर के को लेकर के किया, एक मुलाकात। एक मुलाकात. हाँ एक मुलाकात, बट एक्चुअली पर्सनली स्पीकिंग आई आइडियलाइज अमृता इमरोज. फॉर मी दैट इज अ लव स्टोरी, देयर इज अ लव स्टोरी देयर. यहाँ पे तो एक एक एडमिरेशन की स्टोरी है, म्यूचुअल एडमिरेशन एंड
बहुत ज्यादा मुतासिर रहना किसी एक पर्सनालिटी से और बहुत काम को बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट करने वाले अमृता जी तो बहुत ही ज्यादा साहिब साहब की मतलब बहुत ज्यादा पसंद करती थी और काफी बात भी करती थी साहिर जी के लिए, काफी बात काफी सुनाती भी थी कि साहिर दी ए वाली नज़म और ओ वाली, तो वो काफी मतलब मुझे तो मैं तो बैठ जाती थी जाके उनके कमरे में और बातें करती थी। तो आई यूज टू ऑब्जर्व हर ऑल्सो और मैं सुनती भी थी और उनकी भी नज़में सुनती थी, खुद कभी कुछ लिखना तो उनको सुना देना, इस तरह से इयर्स तक एंड तक वो रिलेशनशिप मेरा और अमृता जी का चला। हाँ, ये हाँ जो पहली मुलाकात थी आपकी जो वासुदा के साथ कहने पे हाँ हुई, उसमें कुछ ये था कि मतलब एक जैसे फैन का एक ऑ मोमेंट जैसा कुछ? एक्चुअली आई मैं सिर्फ आज आखा वारिस शाह नू ही जानती थी, दैट पोएम ओनली दैट पोएम, मुझे उनका लिखा हुआ और कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैं उनसे मिली और मैंने जब उनकी शख्सियत को ऑब्जर्व किया और जैसे मैंने उनको समझना शुरू किया कि ये तो बहुत डेप्थ वाली शख्सियत हैं, इनको जानना तो बहुत मतलब बहुत ही इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम कि इनके साथ बैठ पा रही हूँ और बातें चल रही हैं, बातें कर रही हूँ, अपने मन की कुछ बात करती हूँ, वो अपने मन की कोई बात उनके मन में आती है वो डिस्कस करती हैं, वो बताती हैं और वो और भी और कई लोगों से जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती थी तो मुझे आकर के मुझे मतलब वो बताती थी कि एक पाकिस्तान में एक लड़की है और उदा वो है नज़मा एंड देन दैट गर्ल सम पोएट वाज देयर इन पाकिस्तान सम यंग गर्ल जिसने काफ़ी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और अमृता जी उसकी सायरा सारा सायरा शगुफ्ता, सुकु सारा शायर सारा जी शगुफ्ता राइट शी अटेम्प्टेड जी, सुसाइड शी इवेंचुअली डिड कमिट यस, सुसाइड है ना, तो उनकी बहुत वो बातें करती थी एंड शी वाज वेरी इम्पैक्टेड बाय सारा शगुफ्ता, सारा शगुफ्ताज वर्क एज अ पोएट, है ना, पोएट थी जी ना। जी हाँ तो मुझे ऐसे ऐसी चीजें मतलब मुझे याद है कि वो शी वुड लाइक टू टॉक अबाउट अदर पीपल ऑल्सो जो जिनसे वो इम्प्रेस्ड होती थी या इंट्रीग होती थी, आई वुड रादर से दैट मोर ऑफ इंट्रीग देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे हम लम्हा लम्हा भी देखते हैं, फिर हम आपके जी मुंह से अगर कुछ नामों को सुने तो आपके मुंह से मीना कुमारी का नाम फटाक से निकलता है, अमृता जी हाँ का नाम तो हम लोग ले ही रहे हैं, अभी बात हो ही रही हाँ है। जी ये जो एक तरह से स्त्री होने की एक विशिष्टता का कोई आपके अंदर वो कुछ उसको लेकर कुछ प्रश्नाकुलता मन में है कि एक स्त्री का जीवन कुछ बहुत विशिष्ट है और उस पर ठीक ढंग से सोचा नहीं जाता, और वहाँ से खड़े होकर आप कुछ वो बात रखना चाहती हैं? हाँ मतलब ये बचपन जब मैं छोटी थी काफी छोटी तब तो मैं मेरा ख्याल है मीना कुमारी एज अ परफॉर्मर बिकॉज मुझे ऐसा लगता था ये कितना ये तो एक्टिंग नहीं हो सकती ना, ये तो रियली होगा जो फील कर रही हूँ है ना, इसमें तो एक्टिंग कहाँ मतलब, और कई लोग एक्टिंग करते हुए नजर आते थे पर मीना कुमारी जी को देख के मुझे कभी नहीं लगा कि शी इज परफॉर्मिंग फॉर फॉर द कैमरा, यू नो, तो बड़ा मतलब शी यूज टू रीच यू स्ट्रेट टू द हार्ट, यू नो, इस तरह का बचपन में मुझे, मैं बहुत ज्यादा एनामर्ड थी मीना कुमारी जी से। अच्छा फिर मैं अपनी मदर से बहुत एनामर्ड थी, मेरी मदर बर्मा में पली बड़ी ब्रिटिश नंस थी, उनके स्कूल में जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट एंड वेस्ली स्कूल मैंडले में पढ़ी वो, और बहुत ही इमैक्यूलेट इंग्लिश बोलने वाली और बहुत रिफाइंड पर्सनालिटी उनकी, उनका टेस्ट, थी उनका पंजाबी ही? बोलने, थी पंजाबी, यस शी वाज अ पंजाबी फैमिली बट शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप बर्मा, इन बर्मा एंड शी वाज ब्रॉट अप बाय नंस, और जैसे मैं भी आई वाज आल्सो ब्रॉट अप बाय नंस इन इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट इन अमृतसर, जबकि नंस एंग्लो इंडियंस नहीं थी, वो यूरोपियन नंस हुआ करती थी, सिस्टर डनस्टन, सिस्टर
फ्रांसिस डिरीजा, सिस्टर गेब्रियल, सिस्टर जुवेनी, सिस्टर जसिंता, तो ऐसे ममा की ब्रिटिश नंस थी सारी, तो वो ब्रिटिश का बहुत इन्फ्लुएंस था. ममा वाज ऑलमोस्ट लाइक अ मिसफिट इन दिस मोहल्ला ऑफ कटरा शेर सिंह इन हॉल बाजार. She was, she stood apart, you know, the way she spoke, her grace, her. तो मैं मतलब मुझे ये था कि मैं मीना कुमारी को मामा को काइंड ऑफ एक इमेज से जानती थी कि ऐसे ही मेरी मामा भी ऐसे ही है, सो प्रिटी एंड सो ग्रेसफुल एंड सो मच डेप्थ एंड येट स्ट्रॉन्ग. मामा वॉज स्ट्रोंगर आई फेल्ट, यू नो, इन मीना कुमारी की मैं परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस थी, बट मामा मामा बिकॉज मामा वॉज अ वेरी वेरी आई मीन समबडी टू बी सो एलिगेंट एंड सो ग्रेसफुल एंड फेमिनिन एंड येट बी सो इंटरनली स्ट्रोंग. तो मेरे जो मैं थोड़ी सी डाइग्रेस करके एक और सब्जेक्ट पे बात इससे निकलेगी कि जब मैं मेरी एक्चुअली मेरी रियलिटी ये है कि आई नेवर मेरे जो शुरू में फिल्मों में जो मेरी इमेज बनी ऑफ अ स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर, मैंने बहुत जल्दी उस इमेज को रिजेंट करना शुरू कर दिया था बिकॉज आई डिडंट वांट टू बी दैट. आई डिडंट वांट टू बी टेकन कि ये रियल लाइफ में भी ये स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर है. आई वांट टू हैव अ इमेज ऑफ मच बिगर स्ट्रेंथ, मच मोर इंटरनल इंटरनल डेप्थ, मच मोर इंटेग्रिटी, यू नो. तो मैं चाहती थी कि मेरा मेरी मैं ऐसे क्यों रोल पिक करूं जो कि ऐसे स्वीट है, ना कोई कुछ कहने के लिए है, बस ये लड़कियां हैं नेबरहुड में, इनके कुछ खास ना कोई एम्बिशन है खास, बस शादी वादी हो गई ठीक है अच्छे से घर में चली गई बात खत्म, तो बस वहीं तक. तो आई डिड नॉट रिलेट टू इट, आई कुड नॉट रिलेट. तो मैंने वो मुझे याद है मैंने 6 महीने कोई, जब मैं पीक ऑफ सक्सेस पे थी, 6 महीने मैंने कोई फिल्म नहीं साइन की बिकॉज आई वॉन्टेड टू पिक अप रोल्स ऑफ गर्ल्स हु आर इंटरनली स्ट्रॉन्ग. नहीं लेकिन 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 टोकता इसलिए हूँ क्योंकि आपकी तो दूसरी ही फिल्म इस मिथ को तोड़ती थी. ये कैसे प्रेडोमिनेंटली बना होगा कि गर्ल नेक्स्ट डोर, एक बार फिर आप देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग औरत है. अगर आप हाँ वो स्ट्रॉन्ग, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑडियंस के दिमाग में चिपक गई ना, दैट वाज चश्मे बद्दूर. तो उसमें से निकलना बहुत कॉन्शियसली मैंने एफर्ट किया एंड देन आई डिड फिल्म्स लाइक मिर्च मसाला, साथ साथ द गर्ल इन साथ साथ, शी इज लव मैरिज करने के बाद शी सेड आई एम गोइंग टू लीव यू बिकॉज यू आर नॉट द मैन आई मैरिड. तुम तो इतने करप्ट हो चुके हो, तुम तो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तुम्हारी तो सोच जिसके लिए मैं फिदा हुई थी तुमसे वो तो है ही नहीं कहीं दूर दूर. तो आई एम नॉट, दिस इज नॉट द मैन आई मैरिड, आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस मैरिज. तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ मिडिल क्लास गर्ल जो कि उसको पहले कोलंबस समझती है कि ये रोज कुआं खोदता है, रोज पानी निकालता है और यू नो दैट्स हाउ ही लिव्स एंड कमाल है ना ये आदमी. तो इस तरह का somebody who's uncompromising, उससे वो इम्प्रेस होकर के अपने पेरेंट्स से बगावत करके भाग के शादी कर लेती है एंड देन शी रियलाइजेस कि ये तो आदमी वो है ही नहीं. तो दिस वॉज अ रोल दैट अपील टू मी, पंचवटी का रोल मुझे, साध्वी ऑफ पंचवटी जो कहती है कि अगर मेरी मैरिज इस तरह की लेवल पे आ गई है कि आज हम मारपीट पे उतर आए हैं और you know, I'm being hit by my husband, definitely I'm not staying in this marriage. Obviously, it's much below my dignity to stay here and be called a married woman. So she walks out of the marriage. She gets involved with the older brother who is a adopted son in the family, whatever. Haan, but kisi aur se relationship kaim karti और उसको भी वो कहती है कि अब मैं ये नहीं है कि मैं एक आदमी को छोड़ रही हूँ तो दूसरे को पकड़ लूंगी कि भाई अब. शी सेज नो, इट्स जस्ट हैपेंड एंड आई जस्ट वांट टू, इफ आई एम कैरिंग योर बेबी आई एम नॉट गोइंग टू पाइल ऑन टू यू नाउ. तुम्हारा अपना घर संसार है, बीवी है, जो भी है तुम अपना जियो, इट्स अ मोमेंट विच हैपेंड एंड
फॉर मी दैट इज इनफ टू कैरी कैरी मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. तो शी सेज कि आई विल लुक आफ्टर, आई गो बैक टू माई पेंटिंग, आई विल गिव बर्थ टू दिस बेबी एंड आई विल बी द मदर एंड फादर एवरीथिंग एंड आई डोंट नीड एनी एनीथिंग फ्रॉम एनी मैन. तो वो मुझे बहुत अपील किया था कि ये जो है ना स्टेटमेंट है कि औरतों को खुद के ऊपर सेल्फ सफिशिएंट हो करके और अपनी जो आपकी जो थिंकिंग है उसके ऊपर आप चलो, चाहे कोई भी ऑड्स जो हैं वो आए सामने और उसको कोई शैटर भी करते हुए नजर आए, तो यू क्रॉस ओवर दैट एंड यू स्टिक टू योर वैल्यूज. जिस वैल्यूज को लेकर आप पले बड़े हो, उस वैल्यूज को छोड़कर आप कहाँ चल दोगे? वो तो आप यू नो. सो आई ऑलवेज लुक फॉर स्ट्रॉन्गर वेमेन लाइक दैट. जब मैंने एक फिल्म की थी घर हो तो ऐसा, जिसमें मैं आई प्ले अ डोरमैट डोरमैट. तो मुझे मुझे याद है कि उस फिल्म की शूटिंग करते टाइम मुझे कितनी तकलीफ हुई थी कि मैं ये रोल क्यों कर रही हूँ. लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि मैं रोल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस फिल्म का जो मैसेज है वो पॉजिटिव है, वो सही है. आई मे बी द डोरमैट बट मीनाक्षी शेषाद्री हु प्लेज माई फ्रेंड, वो तो जो कर रही है वो तो फिल्म का मैसेज दे रही है ना. सो वी आर गुड विद दैट. जैसे कमला में आई प्ले द गर्ल हु इज द स्लेव, वो बिक चुकी है 200-250 रुपए में, और शबाना के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लेकिन फिल्म जो कह रही है, फिल्म जो कह रही है वो एक प्रोग्रेसिव और एक पॉजिटिव चीज कह रही है कि देखो आज भी हमारी सोसाइटी में फ्लैश ट्रेड होता है. यू कैन बाय दीज वेरी पुअर वेमेन फॉर 200-300 रुपए में, यू कैन मेक देम अ स्लेव एंड यू नो इस तरह से. तो वो या तो फिल्म कहे स्ट्रॉन्ग. तो ये था कि आप आई कुड हैव रियली लिव्ड ऑफ द सक्सेस ऑफ चश्मे बद्दूर एंड बी दिस यू नो लवली गर्ल यू नो, बट आई जस्ट चोज टू नॉट डू दैट बिकॉज आई वॉन्टेड अनदर इमेज फॉर माई सेल्फ. आई डिडंट वॉन्ट द इमेज ऑफ दिस लवली गर्ल. आई वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्गर इमेज विच आई ग्रेजुअली धीरे 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 मैं वो कर पाई क्रिएट. अच्छा, इसमें एक संदर्भ अभी इस किताब में, जो किताब की चर्चा हम कर रहे हैं आपकी, इसमें नीता देवीचंद का जो जिक्र आता है, नीता या नीता जो जी भी होंगी, वो नीता 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 देवी सर. हाँ देवीचंद इस चैप्टर से या इस एनेक्डोट से, इस एपिसोड से, आपने आपकी क्या लर्निंग्स हैं? नीता देवीचंद की कहानी को आप कैसे अब डिटैच होके देख पाती हैं इतने वर्षों के बाद? लर्निंग तो क्या हम बोलेंगे उसको, मतलब इट वाज एन एरिया ऑफ व्हिच वुड हैव बीन कंप्लीटली एलियन टू मी. मेंटल डिस्टरबेंस ऑफ दैट काइंड व्हिच शी वाज सफरिंग पुअर गर्ल, यू नो उस जमाने में कोई प्रॉपर केयर मेडिकल हेल्प ये सब नहीं था और शी हैड टू सफर इट और उसकी फैमिली को भी बहुत सफर करना पड़ा उसके लिए. तो एक एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ एम्पथी वो मेरे अंदर जो है वो एक चैप्टर खुला कि ओ माय गॉड एवरीबडी इज नॉट सो प्रिविलेज्ड, यू नो आई मीन कितना इसमें कितनी सफरिंग है और कितना सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है. पीपल डोंट टेक इट वेल इफ यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड और इफ यू हैव एनी लेस्बियन टेंडेंसीज. और तो वो मुझे बहुत मतलब हम लोग उसके उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव से रहते थे. हमारा ग्रुप था, हम अपने आप को निराला ग्रुप कहते थे बिकॉज निराला पोइट से हम लोग बहुत इम्प्रेस्ड. तो निराला जी की पोइट्री हिंदी की क्लास में पढ़ते थे तो हम कहते थे हम तो दुनिया के निराले हैं ना. तो सो उस तरह से, पर शी वॉज पार्ट ऑफ आर ग्रुप. लेकिन वो जो मैंने देखा मुझे लगा कि नहीं, देखो सरफेस पे जो जो चीज़ें नज़र आती हैं जो किसी के जहन को अंदर से मतलब ज़रा टटोल के अंदर झांका जाए तो कितना कुछ और है जो हमें कभी नहीं पता चलेगा. और ये जो एबरेशंस हैं दिमाग की वो कितनी मतलब देर इज सो मच टू अंडरस्टैंड एंड कितनी समझने की ज़रूरत है. तो इतना मुझे वो इम्पैक्ट किया
मतलब हम उससे काफी हिल गए थे नीटा की सिचुएशन से, कि जब मैं गई अमेरिका तो फिर मैंने, मुझे लाजमी था कि मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ती एज वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स इन अमेरिका। तो मैंने वो पढ़ा सारा, उसके बाद उस पर काफ़ी मेरा काम भी हुआ। मेरी मेरी पोइट्री में भी कुछ 22-24 पोएम्स हैं जो औरतें जो मेंटल असाइलम में हैं, जिनको मैंने बाद में कन्फ्रंट किया, जाना पहचाना, और उनके बारे में लिखा भी, स्क्रिप्ट भी लिखा, जो बच गया वो पोएम्स में लिखा। तो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस क्यों, क्या कॉजेज होते हैं, क्या है, हर हर एक का अपना अलग है। ये देर इज नो फिनाले कि अच्छा ये मैंने कंक्लूड किया, देर इज नो कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं है। हर हर केस स्टडी का अपना अपना कोई प्रोबिंग इनटू और समझ समझना उसको, उसकी हर हर एक की अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्यों होता है इंसान मेंटली डिस्टर्ब। आई मेट अ लॉट ऑफ वेमेन। मैं स्क्रिप्ट पे काम करने गई थी 3 दिन के लिए और 23 दिन वहाँ रह ली मैं वार्ड के अंदर। और वार्ड के मतलब मैं सोती तो नहीं थी, वार्ड में रहती थी पूरा दिन, ऑब्जर्व, रांची कहाँ में, पे? थाना में, बॉम्बे में नहीं है, अमृतसर में भी मैं गई, जहाँ मुझे उन्होंने बताया कि नीता देवीचंद की पोएम्स यहाँ दीवारों पे लिखी रहती थी। शी यूज टू राइट, शी एक टाइम ऐसा था कि सब दीवारों पे उसकी पोइट्री लिखी रहती थी। हाँ जी, शी वॉज अमृतसर में? एडमिटेड, द नंस हैड एडमिटेड हर टू मेंटल केयर बिकॉज दे कुडंट हैंडल हर, शी हैड बिकम लिटिल डेंजरस फॉर हर सेल्फ, यू नो, तो करना पड़ा। तो आई गॉन टू मीट हर देयर। तो उसके बाद भी मैं गई, जब मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी एक्ट्रेस बनने के बाद, तभी मैंने काफ़ी वहाँ जाकर के मेंटल मेंटल इंस्टीट्यूशंस में, वुमेन्स वार्ड में मैंने काफ़ी टाइम बिताया। तो इन सब यात्राओं का और इन सब जगहों पर जाकर रहने का कुछ निचोड़ किस रूप में सामने आया? मतलब किसी किताब या किसी एक लेख? तो जी, एक तो हाँ, मुझे लगता है किताब ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो क्या इतनी स्क्रिप्ट थी? डार्क थी कि स्क्रिप्ट, इट वाज कॉल्ड, पहले उसका नाम था अक्स, मिरर इमेज, फिर बाद में उसका नाम, जब अक्स नाम से किसी और ने फिल्म बना ली, राकेश मेहरा, उन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने कहा कि आपको टाइटल अपना एक्सटेंड करना है कि क्या मैं अमेरिका में थी, तो वो मैं नहीं एक्सटेंड कर पाई, तो उन्होंने वो ले लिया टाइटल। तो आई लेटर वो स्क्रिप्ट लिखी मैंने स्प्लिट के नाम से, स्प्लिट लाइक अ पर्सनालिटी. स्प्लिट इन योर, हाँ लाइक अ स्प्लिट पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिक क्या जो भी कहा जाए। तो वो, और अगर मैं उसके ऊपर एक बार एक रोज किताब जरूर लिखना नीटा का चाहूंगी, फिर जब भी आखिरकार क्या हुआ मेरा जो फाइनली? एक्सपीरियंस था। नीटा, शी पास्ड अवे, शी वेंट, शी लेफ्ट इंडिया ठीक हो जब गई गई थी थी फिर? वो, शी वेंट, अच्छा. नहीं, हाँ मतलब ठीक ही थी, ट्रीटमेंट चलता रहता था, ठीक थी, बट शी डाइड अंडर काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। आई थिंक नोबडी नोज वेदर सुसाइड था, डिप्रेशन था, क्या था, क्या सर्कमस्टांसेस थे तब डिप्रेशन के उस टाइम पर, ये कोई कह नहीं सकता ठीक से। But I guess she committed suicide when she was not in India at that time, कहीं और यूरोप में थी, कहीं जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में अच्छा, कहीं। अभी बातों बातों में आपने निराला ग्रुप का नाम लिया, कुछ बताइए उसके बारे में. हाँ, अब तो याद नहीं, उस वक्त तो हम बहुत निराला की पोइट्री, अब तो मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी कि हम अपने आप को निराला मतलब ग्रुप क्यों उस ग्रुप कहते में होता क्या था वो, हैं। और कब बना था वो? बस हम लोग कुछ नहीं, मस्ती थी बस, कुछ नहीं, गर्ल्स कॉलिंग देमसेल्व्स निराला बिकॉज निराला की पोइट्री, मिस सुदेश थी जो हमें निराला की पोइट्री बहुत बहुत अच्छे ढंग से बताती थी, और हम पढ़ते थे कौन सा उनकी क्लास क्लास रहा में। होगा तब आपका? तो आई थिंक अच्छा, सेवेंथ हाँ एट्थ, हाँ 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 सेवेंथ एट्थ हाँ नाइन्थ ऐसे, आई मीन हिंदी, हिंदी का हाई स्कूल में जाके हिंदी की
हिंदी लिटरेचर बाद में आया हमारी लाइफ में, बिकॉज इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल, तो शुरू से तो यही सब शेक्सपियर और ये सब कई कुछ इंग्लिश पोएट्स वगैरह चलता रहा बचपन से ही। लेकिन हिंदी लिटरेचर की लेवल की जो पढ़ाई होती है वो हाई स्कूल में जा करके 8th 9th 10th में पढ़ने को मिली, 7th से स्टार्ट करके 7th 8th 9th 10th। ये तो देखिएगा बहुत मुश्किल एक सिचुएशन होती है, जो कि मैंने और लोगों के भी साथ देखा जो पैरेलली 2 या 3 या 4 डिसिप्लिन्स में काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं जी डॉक्टर मोहन आगाशे की याद करूं, जिनके साथ मैंने एक लंबी बातचीत की, तो मैंने तय किया कि मैं उनके सिनेमा से रिलेटेड किसी भी अध्याय पर बात नहीं करूंगा और मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट ही उनसे बात करूंगा। तो आपके साथ तो देखिएगा कथक भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, पेंटिंग और फोटोग्राफी भी है, राइटिंग एक लिटरेरी पर्सोना के तौर पर भी पोएट्री। तो ये एक शिकायत हमेशा कहिए कि बनी ही रहती होगी कि जिस चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी का गुजारा, जो शायद आपके लिए एक समय के बाद एक ऑक्यूपेशनल कंपल्शन भी रहा हो एक्टिंग, लेकिन सब लोग वही उसी पे बात करते हैं, मतलब आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आपके हाँ पर्सोना को बिल्कुल, सिर्फ एज एन एक्टर ही एड्रेस किया जाता है। यस ज्यादातर यही होता है। कुछ पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा एवरीबडी हैज वोकन अप टू द फैक्ट दैट आई एम अ राइटर, आई पेंट एंड आई डू। पेंटिंग तो जानते थे लोग पहले से, लेकिन एज अ राइटर खास ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं भी थोड़ी सी अपने आप को प्रोजेक्ट करने में थोड़ी ढीली हूँ, तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपना करती तो हूँ सब, तो ठीक है जिसको इंटरेस्ट होगा वो ढूंढ के वो पढ़ लेंगे जिसको, और ऐसा होता भी था ऐसा। बट इट हैज कम टू द फोरग्राउंड नाउ बिकॉज द बुक इज अ मेजर वर्क ऑफ माय लाइफ। आई कैन से इट्स माय मोस्ट क्रिएटिवली चैलेंजिंग वर्क सो फार। सो फार सारी सारी कामों को जोड़ दिया जाए तो ये किताब का जो काम था क्रिएटिवली, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट, लॉट ऑफ मेहनत बहुत लगी इस पे, बहुत मतलब काफी, मतलब इससे और सेटिस्फेक्शन भी उतनी ही हो रही है कि चलो ये कहना था ये कह दिया एक्चुअली। एक बात जो है वो निकल के आ गई, इट्स लाइक अ माइलस्टोन फॉर मी इन माय क्रिएटिव लाइफ, दिस बुक इज लाइक अ माइलस्टोन। अच्छा, अब हम लोग बिल्कुल बातचीत के या आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। दीप्ति जी, हमको बताइए ये किताब जी जिसका नाम अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड है, ये पाठकों को क्यों पढ़नी हाँ, चाहिए? बस ये आई थिंक वो जो जॉय ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड बीइंग अ गर्ल, वो उसमें जो ब्यूटी है उसकी उसकी इनोसेंस की, और उसकी एक जो मतलब उस टाइम का जो एक भोलापन होता है जो बाद में आप चाहते हुए भी उसको यू कांट रिटेन इट। आई मीन जिंदगी डजंट, लाइफ डजंट लेट यू बी इनोसेंट एंड यू नो सिंपल। और तो वो थोड़ा सा आपको लगता है ये कितना प्रेशियस था, तो जो प्रेशियस मुझे लगता है सबसे ज्यादा वही मैंने आई चोजन टू शेयर इट विद माय फैंस और रीडर्स। तो मुझे लगता है कि ऐसी ये तो कुछ खास चीज थी, इसलिए मुझे यही शेयर करना है बस इसलिए लिखा बस, और क्या, और कुछ लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं है। इतनी प्योरिटी और फिर दोबारा लाइफ में मिलना, और कितनी चीजें आपको वॉक डाउन वॉक डाउन हो जाते हो ना आपके कई मतलब एस्पेक्ट्स, सोचते हो कि हर तरह के पहलू से सोचना पड़ता है हर सिचुएशन को। एक वो कैंडिडनेस जो बचपन का है वो तो फिर वापस नहीं आता दोबारा। सो दैट्स द वन, दैट्स द पीरियड आई वांटेड टू शेयर एंड राइट अबाउट। आई एक तरह का मैं उसे प्रिजर्व करना चाहती थी लिख के, कि जैसे कि वो बस वो प्रिजर्व हो जाएगा, अगर मैं लिख डालूंगी इसको तो ये ना ये रह जाएगा कहीं, इट विल बी प्रिजर्व्ड इन टाइम कहीं,
अच्छा, यस एक एक यस साहित्यकार के एक आपके लिटरेरी जो एस्पिरेशंस, कौन से लोगों की लिखाइयाँ जो हैं वो आपकी लिखाई की कहिए कि एक तरह से उंगली पकड़कर आगे बढ़ाती होगी, इतनी तरह की चीज़ें आप पढ़ती हैं, तो कौन से लेखक या उसकी राइटिंग आपके लिए? मैं ज्यादा नहीं कह सकती बिकॉज आई एम नॉट, मैं ना स्लो रीडर हूँ, तो मैंने जैसे बाकी लोगों ने कई कई मतलब बहुत सी किताबें पढ़ चुके हैं लोग, और बहुत सा मेरा इतना नहीं हुआ रीडिंग, क्योंकि मैं मेरा थोड़ा टाइम और ध्यान कई चीजों में बटा रहता था, तो आई वॉज नॉट, बट आजकल जैसे कि मोस्ट रिसेंट मैं जिस ऑथर को इंजॉय कर रही हूँ दैट इज मुराकामी, जापानीज ऑथर, मैं उनके काम को बहुत पसंद कर रही हूँ, वो मुराकामी को पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है. जी जी MURAKAMI जापानीज ऑथर हैं. उससे पहले मैं बेन ओक्री को पढ़ रही थी, बेन ओक्री भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ऑफकोर्स पुराने जो हेमिंग्वे वगैरह जो क्लासिक्स हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो अपनी जगह हैं, बट फिर कंटेम्परेरीज में से बेन ओक्री, मुराकामी, दीज आर द पीपल. बाकी ज्यादा मैं हिंदी नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि स्लो हूँ बहुत, तो बहुत टाइम लगता है, तो ज्यादातर अंग्रेजी का ही पढ़ लेती हूँ तो हाँ और बहुत जी, तो हम लोग अब बातचीत खत्म करेंगे। क्या आप बा... कोई कविता अपनी आखिर जी में सुनाना चाहेंगी? नहीं जो जबान पर हो, आप कुछ कुछ आप कुछ वहीं से जो लिख जबान देना, पर हो। वो नहीं जो YouTube से आप लेके नहीं ड्रॉप आपने जो करके अमृता लेके जी आप को उसको सुनाई होगी वो तो लिख आपको याद रहती ही नहीं वो इतना नहीं याद. ठीक अच्छा, तो ठीक है, ये हम लोग अब बातचीत वाइंड अप करेंगे। ठीक किताब का मुझे इंतज़ार है रहेगा, और आखिरी बात ये कि यस एक लंबा रिलैक्स टेलीविज़न इंटरव्यू आपके साथ अभी भी ड्यू रहता है। हाँ वो तो रहेगा ड्यू. यस विल डेफिनेटली टैकल इट नाउ सून. आप एक बार ज़रूर किताब पढ़ लो, ज़रूर, फिर कुछ हाँ नए बिल्कुल टॉपिक्स बिल्कुल निकलेंगे उसमें निकलेंगे। से हाँ बात हाँ करने हाँ को, हाँ है ना? हाँ ठीक है हाँ ठीक ठीक है है, थैंक यू थैंक यू, ओके बहुत शुक्रिया, ओके पांडे, थैंक यू, बाय। बाय.